तस्वीर एडिट करके सोशल मीडिया पर ब्लैकमेलिंग ने घर उजाड़ दिया। बदीन में तालिबा ने तांग आकर खुदकुशी कर ली। तस्वीर मंगेतर को भेजने से मंगनी टूटने और 50,000 रुपए लेने के बावजूद मजीद रकम मांगने का इंकशाफ। आखिरी खत के जरिए हैदराबाद में मुकीम मुलजिमान की निशानदही हो गई। गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे। सारी जमातें ने ऑलरेडी ईद के बाद अपना अपना एहतजाज का ऐलान किया है। एक APC होगा। ऑपोजिशन की आज भी अलग अलग पोजीशन, पार्टीज मुत्तहिद ना हो सकी। ईद के बाद अलग अलग मैदान लगाने का ऐलान। मुश्तरका हिकमत अमली के लिए APC बुलाने का फैसला। मिसाक जमहूरियत में नई नस्ल और नई जमातों को शामिल करेंगे। बिलावल और मरियम की मीडिया टॉक। हदफ हुकूमत गिराना नहीं। शाहिद काकान अब्बासी का इजहार ख्याल। ये वो लोग हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ा। वजीर आजम का ओपोजिशन की अवतार पार्टी पर तबसरा। मुश्किल हालात में पाकिस्तान को संभाला, हालात बेहतर करके दिखाएंगे। इमरान खान पुराजम। मुस्तकबिल की प्लानिंग करने के लिए लीगी रहनुमाओं की आज इस्लामाबाद में बड़ी बैठक। मरियम नवाज भी शिरकत करेंगी। अहम रहनुमा और सूबाई सदूर तलब। IMF की एक और शर्त पूरी करने की तैयारी। शरह सूद में 1% से जायद इजाफे का इम्कान। मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान आज होगा। खैबर पख्तूनख्वा में मसीहाओं की हड़ताल का छठा रोज। हुकूमत सरकारी अस्पतालों की OPDs खुलवाने में नाकाम। मरीज इलाज के लिए दर बदर। वजीर आला महमूद खान और डॉक्टर्स के मुजाकरात कल मुतवक्के। लाहौर के इलाके सांदा में डोल्फिन अहलकार आपे से बाहर। दुकान के बाहर खड़े लड़कों पर लाठियां बरसाईं। अवाम ने गश्त करते अहलकार रोक लिए, जमकर पिटाई की। 200 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कराची में बिस्मा अगवा केस की तफ्तीश। एंटी वायलेंट क्राइम सेल के सपुर्द। मुल्जमान की तादाद 3 होने और तावान जिला साउथ में दिया जाने का इंकशाफ। रकम देने वाले शख्स का बयान रिकॉर्ड करके कार्रवाई का फैसला। बस वहां पर हमें झूठी तसल्ली दे दी गई कि भाई आप जाइए, आपका प्रेशर बढ़ जाएगा पानी का। वाटर बोर्ड के दफ्तर पर भी एहतजाज बेअसर। कराची में नाजिमाबाद वालों की जिंदगी बर्बाद। बच्चे मर्द और खवातीन कैन उठाकर दर बदर। सुबह शाम पानी के इंतजाम का काम, जिंदगी हराम। ट्यूशन मदरसा स्कूल छोड़ के यहाँ पे आती हूँ। रोजाना पानी भी नहीं बनने देते और मेरी पढ़ाई भी नहीं हो सकती। जाते ही नहीं काम पे, पूरा दिन पानी में लेनों में लगे रहते हैं। जिनके यहाँ कुएं हैं उनसे मिन्नत करते हैं कि पानी दे दो। 10 साल का बच्चा है और 10 किलो की कैन उठा के घूम रहे हैं। हम इतना जलील हो रहे हैं, ख्वार हो रहे हैं, हमारी कोई नहीं सुन रहा। रोजे के साथ हम तो फारक बैठे हैं, यहाँ पे रोजा भी रखे और यहाँ रोजा धक्के भी खाए। 1 किलो चीनी के पीछे। एक शनाख्ती कार्ड पर 1 किलो चीनी बेचने के लिए भी औकाते कार। मुल्तान के रमजान बाजार में लंबी कतार। फर्जी एंट्रियां करके आम दुकानदारों को भी बेचने का इंकशाफ। दो टीचर 4 तालिबात। जस्ट की दीवारों से बने सरकारी स्कूल का बुरा हाल। आजाद कश्मीर इंतजामिया की गफलत। घोष तालीमी इदारों की तादाद में इजाफा। कॉमिक क्रिकेटर आसिफ अली की बेटी का अमेरिका में इंतकाल। नूर फातिमा कैंसर के मर्ज में मुब्तला थी। शाह महमूद कुरैशी, साथी क्रिकेटर्स और दीगर शख्सियात का इजहार अफसोस। चार सौ साल कदीम मस्जिद में दियार की लकड़ी का इस्तेमाल। सवात किला के ख्वाजा खेला की इबादत का अपनी मिसाल आप। अफतारी के लिए खाना घरों से लाने और एक साथ खाने का रिवाज।
खलीज फारस में नया महाज खुलने के खदशात, जंग हुई तो ईरान मुकम्मल तबाह हो जाएगा, ट्रंप का ट्वीट। खित्ते में अमरीका का तैयारा बरदार बहरी जहाज तैयार, 1.25 लाख फौजी मशरकी वस्ता भेजने का प्लान, तेहरान ने भी कश्तियों पर मिसाइल नस्ब कर दिए। ब्राजील में मुसल्ह अफराद के ग्रुप का बार पर धावा, अंधाधुंध फायरिंग से 6 खवातीन समेत 11 अफराद हलाक, पुलिस ने मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। बरतानिया के मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर बिजली बहाल, कई घंटे तक तैयारों की रीफ्यूलिंग मुतासर, परवाजें ताखीर का शिकार होने से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज और मैं हूं मोहम्मद दानिश और मैं हूं महनूर इफ्तखार। बुलेटिन का आगाज करेंगे, खबर शामिल करेंगे फैसलाबाद से। समंदरी रोड पर कॉटन फैक्ट्री में आग लग गई है, रेस्क्यू की 6 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं। खबर दे रहे हैं आपको फैसलाबाद से, समुद्री रोड पर कॉटन फैक्ट्री है जहां पर आग लगी है, 6 गाड़ियां हैं रेस्क्यू की जो कि इस वक्त आग बुझाने में मसरूफ हैं। फैसलाबाद का ये समुद्री रोड है जिस पर कॉटन फैक्ट्री है जिसमें आग लग गई है। आग लगने की वजूहात का भी तायुन नहीं हो सका है, अलबत्ता रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं और बताया जा रहा है कि रेस्क्यू की 6 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं। अब तक कितना वक्त लग सकता है इसको आग बुझाने में, ये कहना कबल इस वक्त होगा, लेकिन अभी आपको अपडेट कर रहे हैं कि फैसलाबाद का समुद्री रोड है और इस पर कॉटन की फैक्ट्री है जिसमें आग लग गई है और रेस्क्यू की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं और बताया जा रहा है कि रेस्क्यू की 6 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं। और आग क्यों लगी है इस बात का तायुन अभी नहीं हो सका है और आग बढ़ने का खदशा भी है क्योंकि ये फैक्ट्री जो है वो कॉटन की फैक्ट्री है, कॉटन जो कि आग को पकड़ती है। फैसलाबाद का ये समुद्री रोड है जहां पे कॉटन की फैक्ट्री में आग लग गई है और रेस्क्यू की 6 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं। मनाजिर भी आप देख सकते हैं फैसलाबाद के समुद्री रोड के, ये मनाजिर जहां पे बताया जा रहा है कि कॉटन की फैक्ट्री है जहां पे आग लग गई है और रेस्क्यू की 6 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ अमल है। खबर है फैसलाबाद से जहां पे समुद्री रोड पर कॉटन फैक्ट्री में आग लगी है, रेस्क्यू की 6 गाड़ियां जो कि इस वक्त वहां पर मौजूद हैं आग बुझाने में मसरूफ हैं। आगे बढ़ते हैं, अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं। तस्वीर एडिट करके सोशल मीडिया पर ब्लैकमेलिंग ने घर उजाड़ दिया, बदीन में तालिबा ने तंग आकर खुदकुशी कर ली, तस्वीर मंगेतर को भेजने से मंगनी टूटने और 50,000 रुपए लेने के बावजूद मजीद रकम मांगने का भी इंकशाफ हुआ है। और आखिरी खत के जरिए हैदराबाद में मुकीम मुलजिमान की निशानदेही हो गई है, पुलिस ने तलाश शुरू कर दी है। फेसबुक पर ब्लैकमेलिंग ने एक और लड़की की जान ले ली। ये वाकया बदीन के इलाके टंडो गुलाम अली में पेश आया जहां 12वीं जमात की तालिबा को तस्वीर एडिट करके सोशल मीडिया पर ब्लैकमेल किया जा रहा था, तंग आकर उसने जहर पीकर मौत को गले लगा लिया। लड़की से मिलने वाले आखिरी खत में ये इंकशाफ हुआ कि ब्लैकमेलर्स ने एडिट शुदा तस्वीर उसके मंगेतर को भेजी जिसकी वजह से उसकी मंगनी टूट गई। 50,000 रुपए देने के बावजूद भी ब्लैकमेलर ने उसका पीछा ना छोड़ा, मजीद रकम मांगते रहे। आखिरी खत के जरिए हैदराबाद में मुकीम मुलजिमान की निशानदेही हो गई जिसके बाद पुलिस ने छापे मारने का सिलसिला शुरू कर दिया। खबर दें आपको चिश्तियां से जहां पर बस के गन मैन की लड़की से मुबैना ज्यादती, पाक पतन की 15 साल शहरबानो वालिदैन के डांटने पर घर से निकली, बस में सवार हुई गनमैन लड़की को नीम बेहोशी की हालत में चिश्तियां के बस स्टैंड छोड़कर फरार हो गया है और पुलिस ने लड़की को अस्पताल पहुंचाया है। गनमैन समेत 5 मुलजिम जेरे हिरासत हैं। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे साजिद खान हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद बताएगा मुलजिमान ने क्या इतराफ़ जुर्म किया है और लड़की की हालत कैसी है? जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया चिश्तियां के इलाका में पेश आया जहां पर मुबैना तौर पर कैरबानो जो लड़की है 10वीं क्लास की तालिबे इल्म है, पाक पतन की रहती है, घर से वालदैन की डांट टपक के बाद घर से निकली और लाहौर से चिश्तियां आने वाली गाड़ी में सवार हुई थी। गाड़ी की अमली की जानब से शहरबानों के साथ चिश्तियां के नवाही इलाका डारावाला में मुबैना तौर पर इज्तमाही ज्यादती की गई। हालत गैर होने पर मुलजमान ने शहरबानों को चिश्तियां न्याजी टर्मिनल के वेटिंग रूम में छोड़कर फरार हुए। नींद बेहोशी की हालत में बच्ची को टीएचयू हॉस्पिटल लाया गया। मामले बारे के न्याजी बस टर्मिनल में लगाए गए सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को भी जाया किया गया। पुलिस ने न्याजी बस टर्मिनल के अपीली मदद करते हुए मामले का रुख ही तब्दील कर दिया। पुलिस ने मीडिया को कवरेज ना करने की अस्पताल में भारी नफरी तैनात कर दी है। वाकई की इतलाह से कुछ घंटों बाद डीसीओ
ठीक है, 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। बहुत शुक्रिया साजिद खान, आप अपडेट कर रहे थे। अहम खबर दें आपको अलअज़ीज़ रेफरेंस के हवाले से। नवाज शरीफ ने फिर दरख्वास्त जमानत दायर कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तिब्बी बुनियाद पर जमानत की दरख्वास्त दायर की गई है और इस दरख्वास्त में चेयरमैन नैब, सुपरिटेंडेंट जेल कोटलकपत फरीक बनाए गए हैं। इसी पे बात करेंगे अपने नुमाइंदे आमिर सईद अब्बासी से। आमिर बताइएगा, दरख्वास्त में क्या इस्तदा की गई? देखिए, नवाज की तरफ से एक बार फिर इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रिजू किया गया है, जिसमें कहा गया है कि अलअज़ीज़िया रेफरेंस में जो उन्हें सजा सुनाई गई थी 7 साल कैद की, वो मुअत्तल करके उनको जमानत पर रिहा किया जाए। नवाज शरीफ की तरफ से फिर मेडिकल ग्राउंड्स को ही मेन केस की ग्राउंड्स बनाए थे, और ये कहा गया है कि क्योंकि नवाज शरीफ शदीद अली हैं, उनकी ताज़ा मेडिकल रिपोर्ट्स भी साथ मुंसलिक की गई हैं, और ये कहा गया है कि नवाज शरीफ की अलालत की वजह से उनकी जान को शदीद खतरात हैं, वो कार्डियक पेशेंट हैं, इसके अलावा मुख्तलिफ बीमारियां हैं उनको, लिहाजा उनका जेल में रहने की वजह से उनकी जान को खतरात हैं। इस वजह से नवाज शरीफ की जो अलअज़ीज़िया रेफरेंस में 7 साल कैद है, उस सजा को मुअत्तल करके नवाज शरीफ को जमानत पर रिहा किया जाए, और इस दरख्वास्त में ये कहा गया है कि नवाज शरीफ की जमानत पर रिहाई से नैब का केस मुतासर नहीं होगा, और ये कहा गया है कि नैब की तरफ से जो सजा जो एहतसाब अदालत ने 24 दिसंबर 2018 को सजा सुनाई थी, उस केस में नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल होने से नैब का केस मुतासर नहीं होगा। ये कहा गया कि जो सजा मुअत्तली है उससे नैब, क्योंकि नवाज शरीफ की तरफ से कहा गया कि जो मेन अपील है उनकी सजा के खिलाफ, उसका फैसला होने तक उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया जाए, और ये कहा गया कि इस जमानत पर रिहा होने से नवाज शरीफ की सेहत में बतदरीज बेहतरी आ सकती है। और इसमें अदालत में जो क्या इससे कबल भी नवाज शरीफ को तिब्बी बुनियादों पर 6 हफ्ते की जमानत मिली थी, और अब फिर इस्तदा की गई है कि तिब्बी बुनियाद पर मुस्तकिल जमानत दी जाए। बहुत शुक्रिया आमिर सईद अब्बासी, आपने अपडेट किया। और अब आपको बताएं, लाहौर के इलाके सांदा में डॉल्फिन अहलकार आपे से बाहर हो गए, दुकान के बाहर खड़े लड़कों पर लाठियां बरसाती, और आवाम ने गश्त करते अहलकार रोक लिए, जमकर पिटाई की, 200 अफराद के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। भी भर गई, अहलकारों को रोक लिया, खूब हाथ साफ किया, पथराव भी किया गया, हैवी बाइक्स को भी नुकसान पहुँचा। पुलिस का कहना है कि डॉल्फिन अहलकारों की दरख्वास्त पर 200 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिनकी तलाश शुरू कर दी गई है। कराची से आपको अहम खबर दें कि 20 साल बिस्मा का अगवा तहकीकात में पेशरफ्त हुई है। लड़की को अगवा के बाद कराची में ही रखा गया, 2 बार जगह भी तब्दील की गई, ऐसा बताना है जराय का, और तफ्तीशी जराये बताते हैं कि अगवाकारों की लोकेशन नूरियाबाद भी आई, बिस्मा के दोस्तों को भी शामिल तफ्तीश करने का फैसला किया गया है। बिस्मा के अगवा का मामला है जिसमें तहकीकात में पेशरफ्त हुई है। लड़की को अगवा के बाद कराची में ही रखा गया, 2 बार जगह भी तब्दील की गई, अगवाकारों की लोकेशन नूरियाबाद में भी आई, बिस्मा के दोस्तों को भी शामिल तफ्तीश करने का फैसला किया गया है। और अब आपको बताएं कि अपोजिशन ने ईद के बाद अलग अलग मैदान लगाने का ऐलान कर दिया है, हुकूमत के खिलाफ मुश्तरक हिकमत अमली के लिए APC बुलाने का भी फैसला कर लिया है। बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज ने मिसाक जमहूरियत में नई नस्ल और नई जमातों को शामिल करने पर भी इतफाक किया, जबकि शाहिद खकाना बासी ने कहा कि इतिहाद का हदफ हुकूमत गिराना नहीं बल्कि अवामी मसाइल का हल है। अलग पोजीशन, पार्टीज मुत्तहिद ना हो सकें, ईद के बाद अलग अलग महाज पर लड़ने का ऐलान। इस्लामाबाद में अपोजिशन जमातों के लिए चेयरमैन पीपल्स पार्टी की जानिब से जरदारी हाउस में इफ्तार डिनर दिया गया, जिसमें मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मरियम नवाज, हमजा शहबाज, साहिद खाकान अब्बासी, मौलाना फजलुर रहमान समेत दीगर अपोजिशन जमातों के अरकान शरीक हुए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने ऐलान किया कि ईद के बाद सियासी जमातें पार्लियामेंट के अंदर और बाहर अलग अलग एहतजाज करेंगी, हुकूमत के खिलाफ मुश्तरक हिकमत अमली तैयार करने के लिए हाल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी। तकरीबन सारी जमातें ने ऑलरेडी ईद के बाद अपना अपना एहतजाज का ऐलान किया है पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाद, और दूसरा ईद के बाद मौलाना फजल रहमान की सरबराही में इंशाल्लाह ताला एक APC होगा। हमें
इस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को एक्सपैंड करना चाहिए। इंशाल्लाह ताला हम इस थॉट को आगे लेकर चलेंगे। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने गुफ्तगू करते हुए कहा, मिसाक जमहूरियत का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि दो मुंतखब हुकूमतों ने पहली बार मुद्दत पूरी की, इसी वजह से वोट को इज्जत मिली और जिसको वोट मिले उसी की हुकूमत बनी। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का पाकिस्तान को ये फायदा हुआ है कि मुल्की तारीख में पहली मरतबा दो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स ने अपनी टर्म पूरी की और बड़े खूबसूरत तरीके से प्लान में पहली मरतबा एक जमहूरी हुकूमत ने दूसरी जमहूरी हुकूमत को इकतदार पास ऑन किया और लोगों के वोट की इज्जत हुई और जिसको लोगों ने वोट दिया उसकी रिस्पेक्ट हुई। और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी वहाँ ख़त्म नहीं हुआ, वो ऑन गोइंग है, उसमें हम चीज़ें ऐड भी करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि हुकूमत मुकम्मल नाकाम हो चुकी है, पार्लियामेंट के अंदर जबान बंदी होगी तो बात सड़कों पर होगी। इस इजलास में इस बात पर इत्तेफाक राय था कि हुकूमत मुल्क चलाने में नाकाम हो चुकी है, पार्लियामान के अंदर बात करने की गुंजाइश नहीं है, जब वहाँ जबान बंदी होगी तो फिर बात सड़क पर आएगी। आज का हदफ हुकूमत गिराना नहीं है, आज का हदफ पाकिस्तान की अवाम के मसाइल का हल है। मुस्लिम लीग और मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि एपीसी की तारीख का ऐलान मशावरत से ईद के बाद किया जाएगा। हासिल बसंजो ने कहा कि अपोजिशन इकट्ठी हो जाए तो एक हफ्ते में हुकूमत गिर जाएगी, जबकि आफ्ताब शेरपाओ ने कहा कि मुल्क को आईएमएफ के पास गिरवी रख दिया गया, खामोश नहीं रह सकते। मियां इफ्तिखार हुसैन का कहना था कि एक पार्टी ने दीगर जमातों को दीवार से लगा दिया। ईद उल फितर के बाद जहां तमाम सियासी जमातें अब मैदान में आने के लिए पुरअज़्म नज़र आ रही हैं और जिस तरह तमाम दोस्तों ने इत्तेफाक राय के साथ मुझे ये जिम्मेदारी दी है तो इंशाअल्लाह ईद उल फितर के बाद बहुत जल्द उनकी तारीखों का फैसला भी कर लिया जाएगा। एपीसी से बराद ये नहीं है कि वहाँ हम बैठेंगे और उनके चले जाएंगे, हम समझते हैं कि वो एपीसी इस मुल्क में तारीखी तौर पे एक नए अपोजिशन अलायंस और इत्तेहाद को जन्म देगा। तो ये कह रहे हैं कि जी ये अपोजिशन वाले मिलकर इस हुकूमत को गिराना चाहते हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि ये तो गिरी हुई हुकूमत है, इसको गिराने की जरूरत ही नहीं। अगर अपोजिशन आज फैसला कर ले कि हम इस हुकूमत को गिराएंगे तो विदिन वन वीक ये हुकूमत नहीं रह सकती। मौजूदा हुकूमत ने इस मुल्क को चलाया है जिसके नतीजे में महंगाई, बेरोजगारी और मुल्क को आईएमएफ का गिरवी कर दिया गया। पॉलिटिकल पार्टी खामोश तमाशाई नहीं बैठ सकते। खारिजा पॉलिसी नाकाम, अंदरूनी पॉलिसी नाकाम और यहाँ तक के हर आए दिन महंगाई आसमान से बातें करने लगी और हीरे बहाने जो बातें इमरान खान ने कही थी कि मैं नहीं करूँगा वो सारी बातें कर रहा है। उधर वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि जो आज जमहूरियत बचाने के नाम पर जमा हुए हैं उनकी वजह से ही पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सका, तारीखी कर्जे और खसारा है लेकिन फिर भी मुल्की हालात बेहतर करके दिखाऊंगा। वो इस्लामाबाद में शौकत खानम अस्पताल की फंड रेजिंग तकरीब से खिताब कर रहे थे। एक तो वो जो आज सारे जमा हुए हुए हैं जमहूरियत बचाने के लिए, तो ये सारे वो लोग हैं, ये वो लोग हैं बदकिस्मती से कि जिनकी वजह से आज हमारा मुल्क आगे नहीं बढ़ा और आज ये आप सब वो लोग हैं जो होप हैं पाकिस्तान की, जो आपको देख के ये हॉस्पिटल्स देख के लोगों को ये होप मिलता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं। मुस्लिम लीग नून के आम रहनुमाओं का इजलास आज पार्लियामेंट हाउस में होगा, मरियम नवाज भी शिरकत करेंगी। मुस्लिम लीग नून के अहम पार्टी इजलास में मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमाओं और सूबाई सदूर को भी तलब किया गया है। इजलास में मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत होगी। इजलास में मरियम नवाज भी शिरकत करेंगी।
अहम खबर है लाहौर से। ऑरेंज लाइन ट्रेन प्रोजेक्ट को एक और झटका लगा है। ऑरेंज ट्रेन के सिविल वर्क पर डेडलाइन खत्म हो गई है, जबकि काम अभी नामुकम्मल है। ठेकेदार 100% सिविल वर्क मुकम्मल नहीं कर सके हैं। पंजाब हुकूमत की सुप्रीम कोर्ट से मजीद वक्त लेने की तैयारी सामने आई है, ये ऐसा बताना है जराए का। तफसीलात जानते हैं, हमारे नुमाइंदे हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, बताएगा वजह क्या है, काम मुकम्मल क्यों नहीं हो सका? देखिए, एक तो फंडिंग का मामला था और दूसरा जो है जो मुतलका टीम है वो करने में नाकाम रखा, इस वजह से देती है कि उनके पास उतने वो जो है वो टारगेट्स अचीव करने के लिए कोई ऊपर से सुपरवाइजरी रोल प्ले करने के लिए कोई भी यहाँ पर नहीं था और बहुत सुस्ती से काम रखा गया और हुकूमती तरजीहात में भी ये शामिल नहीं है, जिसकी वजह से इसको मुकम्मल नहीं किया जा सका। इसका जो है 29 अप्रैल को जो है इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग की गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि 20 मई तक मनसूबे का सिविल वर्क मुकम्मल हर सूरत करना है और उसके लिए जो है ऑरेंज ट्रेन का जो मनसूबा था उस वक्त तकरीबन 91% काम मुकम्मल था। काम बढ़कर जो है तकरीबन 93.5% काम मुकम्मल हुआ है और दो रिक्रीमेंट बेंच में जस्टिस गुलजार अहमद और जस्टिस एजाजुल हसन शामिल थे, जिन्होंने इनको सिविल वर्क के लिए डेडलाइन मुकर्रर की थी और हुकूमत पंजाब ने खुद भी इस पर इत्मीनान किया था कि हम इस पर मुकम्मल करेंगे, लेकिन वो मुकम्मल नहीं कर सके। अब जो है ये सिविल वर्क का काम तकरीबन जो बताया जाता है ये जुलाई से अगस्त तक। बिल्कुल ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट ने डेडलाइन दी थी।